हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अर्थ डे। आपको पता है अर्थ डे क्या है? अर्थ डे आज हर कोई स्टेटस रख रहा है, हैप्पी अर्थ डे, हैप्पी अर्थ डे, एक दूसरे को विश कर रहे हैं। पर आपको पता है अर्थ डे होता क्या है, किसने शुरू किया, क्यों शुरू किया? तो चलिए आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। 2 मिनट में हम इसकी पूरी समरी देख लेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। वॉट इज अर्थ डे? अर्थ डे क्या है? द मेन एम ऑफ अर्थ डे इज टू रेज अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंटल डैमेज। ह्यूमंस ने जो भी एक्शंस किए उसकी वजह से एनवायरनमेंट और अर्थ को जो डैमेज हुआ उससे लड़ने के लिए ये दिन शुरुआत हुई थी। ओके, इसलिए अर्थ डे मनाया जाता है। क्यों? ऑटोमोबाइल से जो पोल्यूशन हुआ, रियल एरिया बढ़ गया, इंडस्ट्रीज बढ़ गई, उससे पोल्यूशन निकला, उससे एयर पोल्यूशन हुआ, वाटर पोल्यूशन हुआ, पर तब कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो किसने शुरुआत की थी? सेनेटर गैलॉर्ड नेल्सन। यस, नेल्सन ने शुरुआत की थी अर्थ डे की। कब शुरुआत की थी? 22 अप्रैल 1970 में। यस, 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। नंबर ऑफ कंट्रीज इन्वॉल्व करंटली, अभी कितनी कंट्रीज इन्वॉल्व है? 190 प्लस कंट्रीज इन्वॉल्व है अर्थ डे सेलिब्रेशन में। तो देखिए, अर्थ डे जब से शुरू हुआ उसके बाद से बहुत सारे लॉज बनाए गए। तो जिनमें से कुछ लॉज है, नेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन एक्ट 2008 में आया था, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट 1970 में, द क्लीन एयर एक्ट 1970 में, यस, कांग्रेस पास द क्लीन वाटर एक्ट 1972 में, द एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट 1973 में, द फेडरल इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड एंड रोडेंटिसाइड एक्ट 1972 में। इतने सारे एक्ट्स अर्थ डे के बाद आए थे। तो हम शॉर्ट में इसकी हिस्ट्री देख लेंगे। 1970 में फर्स्ट टाइम अर्थ डे मनाया गया था अमेरिका में, तब 20 मिलियन अमेरिकन पीपल्स ने इसको सपोर्ट किया था। फिर 1990 में अर्थ डे ग्लोबल हो गया, 200 मिलियन पीपल्स ने ज्वाइन किया, 141 कंट्रीज इसके साथ में आ गई थी, इसे सेलिब्रेट कर रही थी। 2000 में अर्थ डे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गया और मिलियंस ऑफ पीपल्स और 180 कंट्रीज इसमें ज्वाइन हो गई। फिर 2010 में द अर्थ डे उसने एक बिलियन एक्ट ऑफ ग्रीन ये रिलीज़ किया, जब 192 कंट्रीज इसमें सपोर्ट करने लगी। फिर 2020 में आज के दिन 22 अप्रैल 2020 में इसने 50 ईयर्स कंप्लीट कर लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आपको समझता है एनवायरनमेंट के साथ क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है क्लाइमेट चेंज कितनी बुरी तरह से क्रॉप पे अफेक्ट कर रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि पोल्यूशन बढ़ गया, इंसान ने डेवलपमेंट कर लिया, बट डेवलपमेंट के साथ एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखा। तो इसीलिए हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आपको फील करना पड़ेगा, आपको वो सब एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। ओके, तो प्लीज़ इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, इस थॉट को समझिए। थैंक यू, मैं न्यू वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।